नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और मैं ग्रीटा सर, आज हम पढ़ने वाले हैं एंटमोलॉजी। और एंटमोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं हम मेटामोरफोसिस क्या होती है और किस टाइप्स की होती है और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, किस ऑर्डर में कौन सी मेटामोरफोसिस होती है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अभ्यास एग्री अकेडमी की एप्लीकेशन, जिस पर लाइव ऑनलाइन लाइव क्लासेस फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक ADA, SADO, AFO, REO, NSC, IPCO एंड अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे BHU, IPCO, सभी के लिए आप रिकॉर्डेड क्लास भी ले सकते हैं। यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल है और लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल एग्री अभ्यास पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चैनल अभ्यास एग्री एकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं, देन इसके बाद टेलीग्राम चैनल अभ्यास एग्री एकेडमी फॉलो करें और फेसबुक पेज अभ्यास एग्री एकेडमी, जहां पर इसे लेक्चर की PDF फाइल आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है और स्टडी मटेरियल भी आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज REO SADO की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन है, CSET के 100 क्वेश्चन है, 499 के अंदर अवेलेबल है, एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी स्टोर में। IBPS AFO की टेस्ट सीरीज है, 50 फुल लेंथ टेस्ट है, जस्ट 299 में। ओके, स्टार्ट करते हैं कि मेटामोरफोसिस क्या होती है। दोस्तों, मेटामोरफोसिस क्या होती है कि जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट की लाइफ साइकिल जब स्टार्ट होती है, मीन्स एग से लेके जब वो एडल्ट तक जाता है, तो उस पीरियड में कुछ क्या होते हैं, रेडियल चेंजेस होते हैं उसके बॉडी में। कुछ क्या होते हैं, रेडियल चेंजेस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस इज द रेडियल चेंजेस इन मॉर्फोलॉजी ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब इंसेक्ट का डेवलपमेंट होता है, जब इंसेक्ट का विकास होता है, तो इसकी लाइफ में कुछ क्या होते हैं, रेडियल चेंजेस होते हैं। जब एग से लेके एडल्ट तक वो जाता है, तो उसके शरीर में कुछ क्या होते हैं, मोर्फोलॉजी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, उन्हीं चेंजेस को क्या बोलते हैं, मेटामोरफोसिस कहते हैं। मेनली मेटामोरफोसिस के जो टाइप होते हैं, मेनली टू टाइप्स की होती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। आप देख रहे हैं, अब हम उनको डिस्क्राइब करते हैं कि कंप्लीट क्या होती है, इनकम्प्लीट क्या होती है। तो कंप्लीट इनकम्प्लीट मेटामोरफोसिस क्या होती है, पहली है इनकम्प्लीट मेटामोरफोसिस डायरेक्ट ग्रेजुअल हेमी। दोस्तों, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनकम्प्लीट मेटामोरफोसिस को क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेटामोरफोसिस कहते हैं, इसके बाद इसको ग्रेजुअल कहते हैं, हेमी कहते हैं। तो इनकम्प्लीट मेटामोरफोसिस क्या होती है दोस्तों, कि इसमें जो मेटामोरफोसिस है वो 3 स्टेज के अंदर कंप्लीट होती है। इनकम्प्लीट मेटामोरफोसिस के अंदर मेटामोरफोसिस 3 स्टेज में कंप्लीट होती है। पहली स्टेज होती है एग, सेकेंड होती है निम्फ और थर्ड होती है एडल्ट। 3 स्टेज के अंदर क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, यहाँ जो एग होता है, एग इज टर्न इनटू निम्फ, और निम्फ से क्या होता है, जो लार्वल स्टेज कौन सी होती है, निम्फ होती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, बट निम्फ इज स्मॉलेस्ट फ्रॉम द एडल्ट। जो निम्फ होता है वो क्या होता है, एडल्ट से छोटा होता है। देयरफॉर सच मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। इनकम्प्लीट को डायरेक्ट भी बोला जाता है, इसको ग्रेजुअल भी बोलते हैं, इसको हेमी भी कहते हैं। अब मैंने इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर क्या पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं कि इनकम्प्लीट मेटामोरफोसिस के एग्जाम्पल क्या है, किस ऑर्डर के इंसेक्ट में ये इनकम्प्लीट मेटामोरफोसिस मिलती है। तो ऑर्थोप्टेरा जो इंसेक्ट ऑर्डर है इसके अंदर मिलेगी, लोकस्ट, ग्रास होपर। ठीक है दोस्तों, कॉकरोच, ऑर्थोप्टेरा हम नहीं आता, लेकिन कॉकरोच के अंदर भी क्या मिलती है, इनकम्प्लीट मिलती है। थाइसोनोप्टेरा जो है वो थ्रिप्स है। इसके बाद आइसोप्टेरा ऑर्डर के अंदर क्या है, टर्माइट। आइसोप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर है टर्माइट, और हेमीप्टेरा, हेमीप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर है, इसके अंदर आते हैं इंसेक्ट एफिड, लीफ होपर, ट्रू बग्स, ये सभी किसमें आते हैं, हेमीप्टेरा। तो ये 4 इंसेक्ट ऑर्डर है, इनके अंदर क्या मिलती है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस आपको मिलेगी। ऑर्थोप्टेरा, थाइसोनोप्टेरा, आइसोप्टेरा और हेमीप्टेरा। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सेकेंड मेटामॉर्फोसिस होती है कंप्लीट। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कॉम्प्लेक्स, इनडायरेक्ट और होलो मेटामॉर्फोसिस के नाम याद रखना है आपको, कंप्लीट, कॉम्प्लेक्स, इनडायरेक्ट, होलो मेटामोरफोसिस। यहाँ पर जो मेटामोरफोसिस होती है 4 स्टेज में कंप्लीट होती है, 4 फेजेस के अंदर क्या होती है, कंप्लीट होती है। एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, कितने स्टेज में, 4 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट होती है, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट।
आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले एग होगा, एग से लार्वा, फिर प्यूपल स्टेज आएगी, फिर एडल्ट। तो एग्जांपल क्या क्या है कि जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, इसके एग्जांपल है कि किस इंसेक्ट के अंदर ये हमको मिलेगी। तो इसके एग्जांपल है, पहला पॉलिप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर। पॉलिप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर के अंदर कौन आता है, बीटल्स आते हैं, वीवल्स आते हैं। दिस ऑर्डर इज द मोस्ट डैमेजिंग इंसेक्ट ऑर्डर, सबसे ज्यादा जो डैमेजिंग इंसेक्ट ऑर्डर होता है कौन होता है, पॉलिप्टेरा। दूसरा है लेपिडोप्टेरा। तो जो लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर होता है दोस्तों, उसके अंदर क्या मॉथ्स आते हैं, बटरफ्लाई आते हैं, सिल्क वर्म आता है, बॉल मॉम्स आते हैं, बोरर आते हैं, वो सभी किसमें आते हैं, लेपिडोप्टेरा में। डिप्टेरा के अंदर कौन आता है, ट्रू फ्लाइज। डिप्टेरा के अंदर कौन आता है, ट्रू फ्लाई आती है। और हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा के अंदर आते हैं मस्टर्ड सो फ्लाई आती है, वी वास्प एंड ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, हाइमेनोप्टेरा के अंतर्गत। तो इन सभी जो चार इंसेक्ट ऑर्डर हैं इनके अंदर कौन सी मेटामॉर्फोसिस मिलेगी हमको, इसके अंदर कौन सी मिलेगी, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगी। अब दोस्तों एक होती है, कुछ ऐसे इंसेक्ट ऑर्डर हैं जिनके अंदर मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होती है। तो ऐसे इंसेक्ट जिनके अंदर मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होती है उन्हें क्या कहते हैं, ए मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं उन्हें, ए मेटामॉर्फोसिस। तो ऐसे कौन कौन से इंसेक्ट ऑर्डर हैं जिनके अंदर मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होती है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से इंसेक्ट ऑर्डर हैं, टोटल इंसेक्ट ऑर्डर हैं कितने। तो टोटल इंसेक्ट ऑर्डर 29 इंसेक्ट ऑर्डर है। तो ऐसे कौन कौन से इंसेक्ट ऑर्डर हैं जिसमें मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होती है, तो प्रोट्यूरा, डिप्लूरा, थाइसिनूरा और कोलम्बोला, ये चार इंसेक्ट ऑर्डर हैं जिनके अंदर मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, एब्सेंट होती है। प्रोट्यूरा, डिप्लूरा, थाइसिनूरा, कोलम्बोला, इन चारों के अंदर मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एग्जाम में है ना टाइप्स ऑफ लार्वी पूछा जाता है कि जो डैमेज स्टेज अगर लार्वा होता है तो उनके लार्वा को हम क्या कहते हैं। तो ऐसे हेमिप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर है, हेमिप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर है, तो इसकी लार्वल स्टेज को क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। इसकी लार्वल स्टेज को क्या बोला जाता है, निम्फ बोला जाता है। एग्जाम्पल ऐसे बग्स है, होपर है, व्हाइट फ्लाई है, एफिड है, जेसिड है, इन सभी के जो लार्वल स्टेज है उसको क्या कहते हैं, हम उसे निम्फ कहते हैं। सेकेंड इंसेक्ट ऑर्डर है बोलबोम। तो बोलबोम जो इसके अंदर कौन आता है, मॉथ्स आते हैं, बोरर, बोलबोम्स, ठीक है, इन सब की जो लार्वल स्टेज है उसे क्या कहते हैं, कैटरपलर। क्या कहते हैं उसे, हम कैटरपलर कहते हैं। इसके बाद कोलिप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर और हाइमेनोप्टेरा का जो मस्टर्ड सप्लाई है, हाइमेनोप्टेरा एक ऐसा इंसेक्ट ऑर्डर है जिसके अंदर मस्टर्ड सप्लाई को छोड़कर बाकी सभी इंसेक्ट बेनिफिशियल होते हैं, वो फसलों को या क्रॉप्स को लॉसेस नहीं पहुंचाते हैं। तो कोलिप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा का जो लार्वल स्टेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रब कहते हैं। जैसे बीटल्स, वीवल्स, मस्टर्ड सप्लाई किसके अंतर्गत आती है, हाइमेनोप्टेरा के अंतर्गत। फिर मैगट जो है, तो मैगट किसका है, डिप्टेरा इंसेक्ट ऑर्डर जो है इसका लार्वल स्टेज कौन होता है, मैगट्स होता है। ऑल फ्लाई एक्सेप्ट व्हाइट फ्लाई और मस्टर्ड, जितने भी ट्रू फ्लाईज होती है उन सबका जो डैमेजिंग स्टेज होती है क्या होती है, मैगट्स होती है। और अगला इंसेक्ट ऑर्डर है ओडोनाटा। ओडोनाटा जो है इसके अंदर ड्रैगन फ्लाई और डैमसन फ्लाई आती है, इनका जो डैमेजिंग स्टेज होती है उसको नाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्स। तो ये एग्जाम में पूछ जाते हैं। आप हमारे YouTube चैनल, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप इस वीडियो की PDF हमारे Telegram चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे मेरे Instagram, Facebook पेज पर फॉलो करें। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं Google Play Store से। थैंक यू, धन्यवाद।